हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 के भौतिक विज्ञान के लेक्चर 3 के फोर्स के अंतर्गत संवेग बल तथा संवेग में संबंध, आवेग तथा घर्षण बल और घर्षण बल से लाभ तथा हानि। तो आइए हम लोग देखते हैं संवेग। मोमेंटम, किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है और इसे स्मॉल पी से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात यदि वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल एम हो और वेग भी हो तो संवेग स्मॉल पी बराबर एम इंटू भी होगा। अब संवेग कैसी राशि है, सदिश राशि अथवा अदिश राशि? तो संवेग एक सदिश राशि होती है। संवेग कैसी राशि होती है? सदिश राशि। अर्थात इसको प्रदर्शित करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। किसकी? परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होगी। और इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक संवेग का मात्रक बराबर द्रव्यमान का मात्रक इंटू वेग का मात्रक होगा। अर्थात द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम अर्थात की ग्राम इंटू वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड अर्थात होगा मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका मात्रक होगा किग्रा इंटू मीटर प्रति सेकेंड। अब एक नोट लिखिए, किसी सदिश राशि में अदिश राशि से गुणा करने पर जो राशि प्राप्त होती है उसे सदिश राशि कहा जाता है। किसी सदिश राशि में अदिश राशि से गुणा करने पर जो राशि हमें प्राप्त होगी वह होगी सदिश राशि। अर्थात सदिश राशि बराबर सदिश राशि इंटू अदिश राशि। यहां पर कहने का मतलब है अगर कोई सदिश राशि हो उसमें अदिश राशि उसे गुणा कर दिया जाए तो जो राशि हमें मिलेगी वह होगी सदिश राशि। जैसे यहां पर संवेग P बराबर M इंटू भी है तो यहाँ पर P हमें निकालना है कैसी राशि, जैसे सदिश राशि है कि अदिश राशि। तो यहाँ से सदिश राशि इक्वल टू अदिश राशि अथवा सदिश राशि का गुणा किया जाए या सदिश राशि अथवा अदिश राशि का गुणा किया जाए। तो यहाँ पर सदिश राशि है और अदिश राशि द्रव्यमान है। अर्थात यहाँ पर द्रव्यमान एम और वेग भी ये दोनों का आपस में गुणनफल हुआ है तो ये जो राशि हमें मिलेगी अर्थात संवेग वह होगा सदिश राशि। संवेग हम लोग पढ़ चुके हैं। संवेग का हमारे जीवन में महत्व क्या है इसके बारे में देखते हैं। जैसे एक कोई कार हो और एक साइकिल हो, इन दोनों का वेग एक समान हो, एक समान वेग भी मान लेते हैं, और इनका द्रव्यमान अलग अलग हो, द्रव्यमान क्या हो भिन्न हो, अर्थात कार का द्रव्यमान M1 मान लेते हैं और साइकिल का द्रव्यमान M2। यहां पर जो कार का द्रव्यमान होगा साइकिल के द्रव्यमान से अधिक होगा अर्थात M1 ग्रेटर देन M2 होगा, M1 ग्रेटर देन M2। अब हम लोग कार का संवेग निकालते हैं। कार का संवेग हम लोग मान लेते हैं P1 है, कार का संवेग P1। P1 बराबर कार का द्रव्यमान और कार का वेग के गुणनफल को कार का संवेग कहेंगे तो होगा M1 इंटू भी। साइकिल का संवेग निकाल लेते हैं, साइकिल का संवेग, इसका संवेग हम लोग P2 मान लेते हैं तो होगा P2
बराबर एम टू इंटू वी, साइकिल का द्रव्यमान गुणते साइकिल का वेग। यहाँ पर हम लोगों को दोनों का संवेग प्राप्त हो गया। अब इसमें किसका संवेग अधिक है, तो यहाँ पर हमें एक प्राप्त है m1 greater than m2, अर्थात p1 का मान p2 से अधिक होगा, क्योंकि जब समान राशि में अलग अलग राशि से गुणा किया जाए तो उसका मान अलग अलग आएगा। अगर अधिक राशि से गुणा किया जाए तो उसका मान अधिक होगा, और कम मान से गुणा किया जाए तो उसका मान कम होगा। अर्थात कार का द्रव्यमान अधिक होगा तो इसका गुणनफल अधिक आएगा, अर्थात कार का संवेग p1 का मान और साइकिल का संवेग p2 के मान से अधिक होगा, क्योंकि साइकिल का द्रव्यमान कार के द्रव्यमान से कम है। यहाँ पर p1 greater than p2 है, अर्थात कार को रोकने के लिए हमें अधिक बल की आवश्यकता होगी। कार को रोकने के लिए हमें अधिक बल की आवश्यकता होगी। कहने का मतलब यह है, किसी भी वस्तु का अगर संवेग निकाला जाए दो वस्तुओं की तुलना करने पर, तो जिसका संवेग अधिक होगा उसको रोकने के लिए अधिक बल की आवश्यकता पड़ेगी, या उससे हमें चोट अधिक लगेगी। अगला हम लोग पढ़ते हैं बल तथा संवेग में संबंध। बल तथा संवेग में संबंध, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। माना किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो, माना किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो और उस पर डेल्टा t समय तक फोर्स लगाने पर उसका वेग बढ़कर v हो जाता है। माना किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो और उस पर डेल्टा t समय तक बल f लगाने पर उसका वेग बढ़कर v हो जाता है। तो न्यूटन के बल के गति के नियमानुसार, न्यूटन के बल के गति के नियमानुसार तो होता है, बल के नियमानुसार F बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए, इसे मान लेते हैं पहला समीकरण। परंतु गति के प्रथम समीकरण से, परंतु गति के प्रथम समीकरण से ए बराबर भी माइनस यू अपॉन टी होता है, भी माइनस यू अपॉन टी होता है। यहां पर समय अंतराल डेल्टा टी बताया गया है, तो यह होगा डेल्टा टी। यहां से ए का मान समीकरण एक में रखने पर त्वरण ए का मान, त्वरण ए का मान समीकरण एक में रखने पर प्राप्त होगा क्या, एफ बराबर एम ए एक जगह पर भी माइनस यू अपॉन डेल्टा टी। इनका आपस में गुणा कर देते हैं, यह बनेगा एफ बराबर एम बी माइनस एम यू अपॉन डेल्टा टी। एम बी माइनस एम यू बराबर एम यू बटे के डेल्टा टी, अर्थात हम लोग अभी पढ़े संवेग, द्रव्यमान गुणते वेग को के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। तो यहाँ पर द्रव्यमान या अंतिम वेग भी के गुणनफल को अंतिम संवेग कहा जाएगा, और द्रव्यमान यम और प्रारंभिक वेग यू इनके गुणनफल को प्रारंभिक संवेग कहा जाएगा, अर्थात इनका अंतर है तो इनको लिखेंगे डेल्टा पी। यह बनेगा एफ बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, यह अपना संबंध प्राप्त हुआ है। बल एफ और संवेग डेल्टा पी में यही हमारा संबंध है। तो यहां से हम लोग एक बल का डिफिनेशन और निकाल सकते हैं, संवेग परिवर्तन की समय दर को बल कहते हैं, संवेग परिवर्तन की समय दर को बल कहते हैं। जैसे गति के समीकरण
अध्याय में हम लोग पढ़े वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं, दूरी की समय दर को चाल कहते हैं और विस्थापन की समय दर को वेग कहा जाता है। सेम उसी प्रकार संवेग परिवर्तन की समय दर को बल कहते हैं। अगला हम लोग पढ़ते हैं बल का आवेग। बल एवं संवेग के संबंध में, बल एवं संवेग के संबंध में एक राशि आवेग को भी परिभाषित किया जाता है। समीकरण से देखते हैं, एक समीकरण हमें प्राप्त हुआ है एफ बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, अर्थात डेल्टा पी बराबर होगा एफ इंटू डेल्टा टी। एफ इंटू डेल्टा पी को ही आवेग कहा जाता है, अर्थात वस्तु पर लगाए गए बल एफ और समय अंतराल डेल्टा टी के गुणनफल को आवेग कहा जाता है। आवेग का राशि देखते हैं, सदिश राशि अथवा अदिश राशि। तो बल एक प्रकार का सदिश राशि है और समय अंतराल अदिश राशि है, इनके गुणनफल को सदिश राशि कहा जाता है, अर्थात जो राशि प्राप्त होगी वह सदिश राशि होगी। तो यह राशि प्राप्त हुआ सदिश राशि। मात्रक देखते हैं, बल का मात्रक इंटू समय का मात्रक। बल का मात्रक होता है न्यूटन, समय का मात्रक सेकेंड। तो इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन इंटू सेकेंड। अब हम लोग देखते हैं आवेग का डिफिनेशन क्या लिखेंगे। किसी वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु के संवेग में परिवर्तन होता है। किसी वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु के संवेग में परिवर्तन होता है। अब वस्तु के संवेग में संपूर्ण परिवर्तन वस्तु पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है। वस्तु पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला हम लोग पढ़ते हैं संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यदि दो या दो से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो तो निकाय का संपूर्ण संवेग अपरिवर्तित रहता है। तो निकाय का संपूर्ण संवेग अपरिवर्तित होता है, इसे संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है। गति के समीकरण से किसी निकाय का संवेग परिवर्तन डेल्टा पी बराबर एफ इंटू डेल्टा टी होगा। बोला जा रहा है यदि दो या दो से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए तो बल का मान क्या होगा, एफ बराबर जीरो होगा, एफ बराबर जीरो होगा। तो निकाय का संपूर्ण संवेग परिवर्तन नहीं होगा, तो यह होगा एफ का मान जीरो रखेंगे तो होगा जीरो इंटू डेल्टा टी, अर्थात डेल्टा सॉरी जीरो अपरिवर्तित, अर्थात उसके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात निकाय का संपूर्ण संवेग अपरिवर्तित होगा। निकाय का संपूर्ण संवेग अपरिवर्तित होगा। अगला हम लोग पढ़ते हैं दो वस्तुओं के लिए संवेग संरक्षण का नियम। माना दो वस्तुओं का द्रव्यमान क्रमशः M1 एवं M2 है और इनका प्रारंभिक वेग U1 व U2 है।
तो इस दशा में इनका संपूर्ण संवेग m1 × u1 प्लस m2 × v2 होगा। यदि u1 का मान u2 से अधिक हो, अर्थात u1 greater than u2, जैसे कोई एक पिंड यहां पर है, इसका द्रव्यमान m1 है और वेग v1, और दूसरी वस्तु यह है इसका द्रव्यमान m2 और वेग u2, दोनों एक ही दिशा में गति कर रहे हैं। अगर u1 का मान, जो u1 है इसका मान u2 से अधिक होगा, तो कुछ समय बाद यह क्या होगा, आपस में टकराएंगे। तो ये आपस में टकराती हैं। तब इनका वेग क्रमशः v1 व v2 हो जाता है। अर्थात जैसे यहां पर आपस में क्या होंगी, टक्कर होगा, m1 m2 ये किस पोजीशन में, टक्कर पोजीशन में, तो इनका वेग आगे टक्कर होने के बाद चेंज हो जाएगा। इसका वेग अधिक है तो इसमें टकराएगा, तो इसका वेग अधिक हो जाएगा, अर्थात इसका वेग v1 मान लेते हैं और इसका वेग v2 यह हो जाएगा। अब देखते हैं तब इनका संपूर्ण संवेग क्या होगा, अर्थात इस दशा में संपूर्ण संवेग बराबर, अर्थात संपूर्ण संवेग m1 v1 व m2 v2 होगा, चूंकि संपूर्ण निकाय पर कोई वाय बल आरोपित नहीं किया गया है, तो जो निकाय है इनमें संवेगों का आदान प्रदान आपस में हुआ है, तो संवेगों के आदान प्रदान के बाद भी जो हमें संपूर्ण संवेग मिलेगा वह प्रारंभिक संपूर्ण संवेग के बराबर होगा, अर्थात m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 यह हमें समीकरण प्राप्त हुआ। यदि निकाय दो या दो से अधिक हो तो समय संपूर्ण संवेग कैसे परिवर्तित होगा, तो जैसे मान लेते हैं m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस m3 u3 .. इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 .. यह हमें समीकरण प्राप्त होगा। जैसे हम लोग दो वस्तुओं को मानकर निकाले m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 सेम, दो या दो से अधिक हो, जब दो या से अधिक हो तो उस दशा में होगा m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस m3 u3 प्लस m4 u4 प्लस .. इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस m4 v4 प्लस .. ऐसे ही करके लगा लेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं घर्षण पर। संपर्क में रखी दो वस्तुओं के बीच एक प्रकार का बल कार्य करता है जो गति का विरोध करता है, उसे घर्षण बल कहा जाता है। घर्षण बल मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं स्थैतिक घर्षण बल, सी घर्षण बल
और लोटनिक घर्षण बल। आगे देखते हैं घर्षण बल से लाभ तथा हानि। तो घर्षण से लाभ पहला क्या है, घर्षण बल के कारण सुविधापूर्वक मनुष्य का चलना संभव है, अर्थात अगर घर्षण बल होगा तो मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी पूर्वक चल सकता है। उसके पैर और पृथ्वी के तल के बीच घर्षण बल कार्य करता है जिससे मनुष्य एक जगह से दूसरे स्थान पर चला जाता है। वाहनों में ब्रेक का प्रयोग करके वाहनों को रोकना, जब वाहनों में ब्रेक हम लोग लगाते हैं तो उसके पहियों और पृथ्वी की सतह के बीच घर्षण बल कार्य करता है जिससे वाहन आसानी से रुक जाता है। दीवार में कील का ठोकना, किसी दीवार में अगर हम लोग कील को ठोकते हैं तो घर्षण बल के कारण उसमें रुका रहता है, अन्यथा अगर घर्षण बल उसमें नहीं रहता तो कील को ठोकेंगे तो बाहर निकल जाएगा। अगला, कलम से कागज पर लिखना, किसी भी कागज पर लिखने के लिए कलम और कागज के बीच घर्षण बल कार्य करता है जिससे कलम से कागज पर लिखना संभव है। माचिस से माचिस की तीली का जलाना। अगला छह, घिरनी पुल्ली तथा पट्टे के बीच घर्षण बल के कारण मशीन के किसी भी पुर्जे को आसानी से घुमाया जा सकता है। अब देखते हैं घर्षण बल से हानि क्या है। घर्षण बल के कारण उत्पन्न ऊष्मा मशीन को हानि पहुंचाता है। जो घर्षण बल होता है उस घर्षण बल के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है जिससे मशीनें खराब हो जाते हैं। अगला, मशीनों के विभिन्न पुर्जे हिस्सकर खराब हो जाते हैं। विभिन्न पुर्जे एक दूसरे से जुड़े होते हैं जिसमें घर्षण बल उत्पन्न होता है, घर्षण बल के कारण उनके पुर्जे धीरे धीरे खराब हो जाते हैं। अगला, मशीनों के कार्य करने की दक्षता कम हो जाना, अर्थात जब घर्षण बल कार्य करेगा तो हमें एक्स्ट्रा फोर्स काम लगाना पड़ेगा, तो इसलिए जो मशीन होती है वो एक्स्ट्रा कार्य करने लगती है, अधिक कार्य करने लगती है जिससे उनकी कार्य करने की दक्षता कम हो जाती है। अगला, वर्षा की ऋतु में सड़क गीली होने के कारण वाहनों के पहियों के बीच घर्षण बल कम हो जाता है जिससे वाहन फिसलने लगते हैं और दुर्घटना होने का चांस अधिक हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ मिलेंगे इस अध्याय के न्यूमेरिकल के साथ।